दोस्तों आपने 90s के दशक की दो पॉपुलर जोड़ियां काजोल अजय देवगन और गोविंदा सुनीता की शादी की तस्वीरें तो देखी ही हैं, जिसमें शादी के नए नवेले जोड़े में ये काफी खूबसूरत दुल्हा दुल्हन लग रहे हैं। जिन्हें देख कर तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि इन जोड़ियों ने अपनी शादी में खूब खर्चा किया है। और दोस्तों क्या वाकई आप जानते हैं कि इन दोनों जोड़ियों में से किसकी शादी बेहतरीन तरीके से हुई है और दोनों में से किसने अपनी शादी में सबसे ज्यादा खर्चा किया है? अगर नहीं तो आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब इनकी शादी के बारे में डिस्कस करके देंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करें बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस काजोल और अजय देवगन की शादी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि मेड फॉर ईच अदर कहलाने वाली इस जोड़ी ने 24 फरवरी 1999 को एक दूसरे से शादी की थी, जो कि काफी धूमधाम तरीके से ना होकर बेहद सिंपल तरीके से हुई थी। जी हाँ, दरअसल ये जोड़ा अपनी शादी को लैमिनेट में नहीं लाना चाहता था, इसलिए इन्होंने मीडिया वालों को गलत वेन्यू देकर और उनकी आंखों में धूल झोंक कर अपने ही घर की छत पर साथ फेरे लिए थे। अगर आप इनकी शादी की तस्वीरें देखें तो उसमें ये दोनों दूल्हा दुल्हन के रूप में बेहद सिंपल नजर आएंगे। बताया जाता है कि अजय काजोल के घर घोड़ी पर ना चढ़कर बल्कि उन्हें ही अपने घर पर बुलाकर अपने घर की छत पर काजोल को मंगलसूत्र पहना चुके थे, जिनकी शादी में परिवार के चंद लोग ही शामिल हुए थे, जिसमें ना कोई साज सजावट की गई थी ना ही इनकी शादी में कोई रौनक थी। तो ये शादी बेहतरीन तो नहीं पर यादगार जरूर हो सकती है, जिसमें मुश्किल से 5,000 रुपए का खर्चा हुआ होगा। वही अगर बात करें चीची गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनकी शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी। हालांकि इनकी पहली बार की शादी की तस्वीरें तो नहीं है, पर हाँ जब इन्होंने 51 साल की उम्र में एक दूसरे से दोबारा शादी की तो उसमें इन्होंने दिल खोलकर पैसा उड़ाया था। जी हाँ, इनकी दूसरी शादी की तस्वीर में आप देखें तो दोनों ही दूल्हा दुल्हन के लिबास में काफी शानदार लग रहे हैं। खबरों की माने तो इन्होंने ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की थी। सुनने में आया है कि गोविंदा दोबारा सुनीता के घर बैंड बाजा बारात लेकर गए थे और दोनों ने अपनी इस शादी में मेहमानों की खातिरदारी से लेकर साज सजावट तक पर 50,000 रुपए उड़ाए थे, इसलिए इनकी शादी काजोल से बेहतरीन रही। वेल दोस्तों, आपको इन जोड़े में से किसकी शादी की तस्वीर अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।